बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद एक नई सुबह में। इसी दुआ और उम्मीद के साथ आप जहाँ कहीं हैं, जिंदगी मजे सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। और अगर आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में, तो आपको नजर आ रहा होगा कि हम शुरू करने लगे हैं एक मुकाबला जिसका नाम है ब्यूटिशियन नंबर वन। यानी हम एक्नॉलेज करना चाह रहे हैं उन तमाम ख्वातीन को जो एम्पावर्ड हैं, जो अपने घर में बैठी हुई या फिर अपने सैलॉन्स खोल के अपने छोटे सेटअप में या बड़ा कारोबार करते हुए वो अपने ना सिर्फ जिंदगी के निजाम को चला रही हैं, बल्कि अल्लाह ने उनके हाथ में एक हुनर दिया, एक सलीका दिया। ये बहुत बड़ा सलीका है, ये बहुत बड़ा हुनर और कमाल है कि आप खुद भी सच संवर सकें और किसी दूसरे को भी उसमें मदद कर सकें और हेल्प कर सकें। वैसे वो कौन सी खातून होगी जिसे सजने संवरने का शौक नहीं होगा? कोई है ऐसी जो कहे कि मेकअप की तो कोई एक चीज भी उसके पास नहीं है, या फिर किसी दूसरी खातून को बहुत अच्छा सा तैयार देख के उसके दिल में ख्याल नहीं आता कि हाय काश मुझे भी इतना अच्छा तैयार होना आता हो, हाय काश मेरे पास भी ये सब चीजें हों। तो आज इस मुकाबले में हम ढूंढेंगे कि वो कौन एक ऐसा पारस पत्थर है, वो कौन एक ऐसी हुनरमंद खातून है कि जिसके हाथ लग जाए अगर किसी को भी तो वो खूबसूरत दिख सकती है और खूबसूरत हो सकती है। So, आज से शुरू होने वाले इस ब्यूटिशियन नंबर वन कॉम्पिटिशन में हमारी बहुत सारी ब्यूटिशियंस जो हैं वो हिस्सा ले रही हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं उनको यहाँ पे बुलवाऊं, मैं आपको ये तो बताऊं कि जज कौन करेंगे आज के इस मुकाबले, आज से शुरू होने वाले इस मुकाबले के हमारे जो जज हैं वो एक ऐसे मेकअप आर्टिस्ट हैं कि जो अब सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं, इसलिए नहीं कि वो सेलिब्रिटीज का मेकअप करते हैं, बल्कि इसलिए कि वो इतना अच्छा और इतना कमाल मेकअप करते हैं कि ही हिमसेल्फ इज अ सेलिब्रिटी नाउ। He is king of makeup. Please welcome Wajid Khan. Welcome Natasha Ali. Natasha, आपके लिए आज हमने आपको मतलब ब्यूटिशियन नंबर वन कॉम्पिटिशन में बुलाया अपने साथ। आपको क्या लगता है मेकअप में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या चीज है? मेकअप में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है आपकी बेस। अगर वो बहुत सेटल्ड बनी हुई हो तो आप उस पर बहुत सारी चीजें कहीं पे भंड भी मार देते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं कवर चल जाता है। सबसे पहले तो ये कि क्योंकि एज जज आपने मुझे बुलाया है, तो आप ये बिल्कुल ठीक कह रहा था कि आपने जो ये कहा कि ये आंसू पहुंचेगी, तो शायद ये आंसू पहुंचेगा क्योंकि मैं तो इतनी बारीक भीनी से देख रही होती हूँ। ऑफकोर्स ये तो मेकअप आर्टिस्ट है और मुझे वैसे ही 14 साल हो गए अपना मेकअप खुद करते हुए, तो मुझे भी वो सारी चीजें नजर आ रही होती हैं जो ऑफकोर्स इसको भी नजर आएंगी। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि मैं थोड़ी सी जरा सख्त हो जाती हूँ, ये बेचारा तो कहीं ना कहीं कवर ही कर रहा होगा। ओहो, क्या बनेगा आज आप सब लोगों का, और कपड़े भी सबने काले पहने हुए, तो मैं कह सकती हूँ तेरा क्या बनेगा कालिया। सो ब्यूटिशियंस में अरुणा आई है। अरुणा, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा वाजिद, हमने इनके लिए ये गाउन्स रखे हुए हैं। ठीक है, ओके। आप हमारी ब्यूटिशियंस को गाउन्स जो है वो देते जाएंगे और उनको उनके टेबल स्टैंड जो बताते जाएंगे जहाँ पे गाउन है। ठीक है, और आप इधर आ जाइए। अरुणा ने अपना पूरा किट जो है वो हमारे साथ ही उठाया। वेरी गुड। अच्छा जी, दूसरी ब्यूटिशियन है मोमिना। कैसी है मोमिना? अच्छा, आपने नताशा की बातें सुनी? सुनिए, गुड। ये नंबर टू हो गया है इनका। देखिए, क्योंकि फरा कंपटीशन है ना, बिल्कुल, तो आप अपने एक्सपीरियंस के साथ आई हैं, तो कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं। बिल्कुल सही। और एक और बात, जितने सब लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक तो आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि बातचीत का सर्टिफाइड होगा कि आपने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है इस कॉम्पिटिशन में। दूसरा, जो विनर है उनको 50,000 रुपीज मिलेंगे। वाह। सेकेंड करार पाएंगी ब्यूटिशियन वो 25,000 रुपीज देंगी, और जो थर्ड आएंगी वो 15,000 रुपीज जो है वो लेंगे। और जो सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सब एक पार्टिसिपेशन मनी जो है वो सबके लिए है। जो लोग इलिमिनेट होते जाएंगे वो भी हमारे से बहुत सारी दुआओं के साथ साथ कुछ लेकर जाएंगे। ठीक है, हाई थर्ड ब्यूटिशियन किरण तशरीफ लाइए। So, किरण के बाद मोनिका, माय डार्लिंग जी, ये मोनिका का। और अब निहाल इस साइड पे तो सब लोग तैयार हो गए, तो अब हम नताशा जो हमारी ब्यूटिशियन आएंगे अब उनको आप दीजिएगा काम। साइड को है वो नताशा देती है। अजरा आ जाइए, आइए। अच्छा, अजरा के साथ जो है जुबैदा भी है, आइए जुबैदा। अच्छा,
सोबिया आप भी तशरीफ ले आइए। सलमा कहाँ है? अरे सलमा आपका 8 नंबर। ओके, पहले तो आप लोग को सबका अस्सलाम वालेकुम। और जैसे कि ये कंपटीशन है नंबर वन मेकअप आर्टिस्ट के लिए, और सबसे पहले तो आप लोग अपने आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि आपने कब से काम स्टार्ट किया और कितने साल हो गए और आप क्या क्या करती हैं। असरा करीम, और मुझे 8 साल हो गए हैं इस फील्ड में, और मैं ऑलराउंडर हूँ। ठीक है, सर्विसेज वगैरह सारी चीज़। अच्छा, ऑलराउंडर। ठीक है, मेरा नाम जुबैदा चिराग है और मुझे 10 साल हो गए इस फील्ड में। अलादीन का चिराग। अच्छा दादा जलाल, उसमें से तो नहीं निकली थी आप अलादीन की चिराग। अगली ब्यूटीशियन कौन है? मेरा नाम सोबिया है और मैं तकरीबन 4-5 साल से कर रही हूँ। 4-5 साल से आपका सैलून है, आप घर से करती हैं? घर से। अच्छा, घर से करती हैं। अच्छा, आगे दीजिएगा, सलमा को दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमा नजीर है और मुझे 10 साल हो गए ये काम करते हुए, और मेरा पार्लर है। आपका पार्लर है? जी। वेरी गुड, कुछ और पूछना चाह रहे हैं? नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो आए हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स ब्यूटीशियंस, आप लोग भी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरुणा है और मुझे तकरीबन इस फील्ड में 3 मंथ हो गए हैं। आपको लगता है कि 10 साल का एक्सपीरियंस है, 6 साल का, 8 साल का, 9 साल का, तो आपको लगता है कि आप इन जैसा काम कर सकती हैं? नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाऊंगी, अगर कुछ नहीं भी मतलब कि अपना आप दिखा के जा सकी तो भी। मेरा काम इस शो में जफिया डालना होगा। हाँ, काम करेंगे ना तो फिर आप लोगों ने मेरी तरफ देंगे। आपका नाम? मेरा नाम मोमना ताहिर है, मैं बिलोंग करती हूँ सादकाबाद से। वेरी गुड, तो आप सादकाबाद से आई हैं? जी बिल्कुल भाई, इनके लिए तो खास तौर पर जबरदस्त काम। ठीक है, और मुझे 1.5 ईयर्स हो गए इस वक्त। 1.5 साल हो गया बिल्कुल। सैलून है आपका? जी मेरा सैलून है। आपका सैलून किस नाम से है? मोनास ब्यूटी सैलून। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है और मैं कसरे बहबूद से आई हूँ, मैं इसकी असिस्टेंट हूँ, उनके साथ काम करती हूँ। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोनिका है और मैं भी कसरे बहबूद कॉलेज से आई हूँ, और हम लोग साथ में ही होते हैं, और आज हमें अच्छा ये मौका मिला है आने का, और बस मुझे भी 1 साल हो गया है काम करते हुए। आप दोनों दोस्त हैं? और वैसे हम हाँ जी। अच्छा, तो आपको अगर वो जीतेंगे तो आपको बुरा तो नहीं, ऐसा तो नहीं होगा? नो सर, इस तरह का कुछ नहीं है। अभी हम सब बैठे यही डिस्कस कर रहे थे कि ये सिर्फ हार जीत एक बंदे की होनी है, तो ऐसा नहीं होगा कि मतलब हम लोग एक दूसरे से जेलिस फील करेंगे या इस तरह का कुछ भी है। जेलिस तो होना चाहिए तो ही आप काम अच्छा करेंगे। हम जरूर हेल्दी कॉम्पिटिशन, जेलिस इन द सेंस ये नहीं कि अच्छा इसकी उसकी टांग खींच लो, अच्छा हेल्दी कंपटीशन, इसने ऐसा किया तो मैं इससे अच्छा लाइनर लगाने की कोशिश करूंगी, इन्होंने बेस ऐसा किया है तो मैं बेस ऐसा लगाना शुरू करूंगी। और मजे की बात यह है कि ज्यादा एक्सपीरियंस वाली जो खवातीन है वो इस तरफ खुद से ही आ गई हैं ऑटोमेटिकली, और कम एक्सपीरियंस वाली खवातीन यहाँ पे। हाँ, अभी इसमें सब मॉडल्स के नाम है, ताकि ये ना हो कि मॉडल हमने कोई अलॉट आपको दी हुई है, कोई इनकी बनती है, खूबसूरत मॉडल उसके हिस्से में आ गई, सबसे खुद निकालना और खुद दाम पड़ते चले। हाँ बिल्कुल सही, मैं अपने अपने मॉडल्स हैं वो पिक कर लें इसमें से। ठीक है, और माइक आपके पास है? माइक आपके पास, उनके पास है। ठीक है, तो फिर मैं अभी देती हूँ, पहले आप सब पिक कर लें, नाम पिक कर लें अपने, एंड देन उसके बाद आप नाम बताइएगा, और जैसे जैसे नाम वो बोलती जाए वैसे वैसे मॉडल्स आती जाए। हाँ, और अब आप नाम जो है अपने अपनी मॉडल्स के बताते जाए। अच्छा जी, तो किस किस के नाम कौन सी मॉडल निकली है? सामिया बट, और मोमिना की मॉडल है सना, किरण की मॉडल है एनी, और मोनिका मेकअप करेंगी मारुख का, अजरा मेकअप करेंगी आज शुमाइल का, और जुबैदा की जो मॉडल है उनका नाम है हेरा, और सोबिया दुल्हन बनाने वाली है माहा को, और सलमा के हिस्से में आई है सदर। सो ये हो गई हमारी खूबसूरत मॉडल्स। तो पहले ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद हमारे हैं वापस। खुश आमदी जनाब, हम आपको वेलकम कहेंगे प्लस की तरफ से पाकिस्तान के सबसे बड़े ब्यूटी ब्राइडल कॉम्पिटिशन ब्यूटिशियन नंबर 1 में, जिसके जजेस हैं दी वाजिद खान और उसके साथ साथ नताशा। अब मेरा तो हो गया काम खत्म, अब बताएं इन्होंने क्या करना है। ओके, सो सबसे पहला जो आपको टास्क दिया जाएगा वो है बेस लगाने का। कुछ लोग उसको कहते हैं कि हम बेस लगाएंगे, कुछ कहते हैं फाउंडेशन, कुछ कहते हैं कि अपने अपने हैं जो लोग जो भी जो कहता है। सो उसके लिए आपको दिए जाएंगे पूरे 8 मिनट।
सो और बहुत हम ये भी नोट करेंगे कि आप किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, आपके स्टोक किस तरीके से, आप किस तरीके से चीजें हो रही हैं। और मैं तो टोन तक चेक करूंगी कि स्किन के मुताबिक जो बेस की टोन दी जा रही है वो उस पर मैच कर रही है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट जो हैं जो बहुत सालों से एक्सपीरियंस भी है, मैंने उनको ये देखा है वाजिद कि सांवला रंग होगा लेकिन उस पे सफेद रंग की बेस कर देंगे तो पता क्या होगा, फिर हाथ नजदीक आएगा या कुछ होगा तो लगता है कि हाय मुंह का रंग कुछ और है, हाथों का रंग कुछ और। कहना नहीं चाहता, बहुत मैंने बहुत ज्यादा बड़े बड़े सैलून में ये देखा है। अब मैं नहीं नाम देना चाह रहा हूं, ये हो गया, गोरे को भी इतना गोरा कर देते हैं कि वो लड़कियां ग्रे लगने लगती है। लेकिन अगर कोई आके फरमाइश कर दे तो फिर क्या करना है? तो अगेन आपके कितने सारे मैंने शो किए हैं और मैंने बताया है कि कैसे पिगमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। और जी जितनी भी सारी करी है, जब शो शुरू होने से पहले बोले थे सर हम आपके फैन हैं, हम आपको बहुत देखते हैं, हम आपकी वजह से बहुत सारी चीजें सीख गए, और अगर मुझे देखती हैं और मुझे मेरे से बहुत सारी चीजें सीख गई हैं तो उनको पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से है। अगेन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सबने काले ड्रेसेस पहने हुए तो अच्छे लग रहे हैं सब कुछ, लेकिन जब एक ब्यूटिशियन कोई आपके सैलून पे जब कोई आता है तो आपकी अपनी अपीयरेंस भी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि लोग आपसे वैसे ही सेटिस्फाई हो जाएं, ठीक है। तो जब आप सैलून पे काम करते होते हैं तो आपके बाल खूबसूरत बने होने चाहिए। मुझे वाजिद के ना ये बात बड़ी अच्छी लगती है, हमेशा ये अपने शोज में बोलता है कि पार्लर का मेकअप, पार्लर वाला मेकअप लगना चाहिए। आप किसी एक्सपर्ट से मेकअप करा रहे हैं तो वो दिखना चाहिए कि डिफरेंट है। घर में तो सब कर ही लेते हैं, अपने हिसाब का तो सब कर लेते हैं। बिल्कुल सही। अरे वाजिद आप साथ साथ देखते रहे, नताशा आप भी जी जी, और जो जो इनको थोड़ी बहुत टिप्स साथ साथ अगर आप देना चाहें या ऑब्जर्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अभी हाँ टिप नहीं देंगे, टिप मैंने शुरू में बता दी थी, अब ये बेस लग रही है, ठीक है, और उसके बाद देखेंगे। तो कितना टाइम रह गया? 3 मिनट रह गए हैं गर्ल्स, 3 मिनट रह गए, और मुझे लगता है कि अच्छा सब बेस लगा रहे हैं। और अच्छा क्या इसमें कोई हमने तय किया है कि रिवायती बेस बनानी है जिसमें बेस आप प्रॉपर बनाएंगे, बेस आपकी प्रॉपर होगी, ठीक है। हाँ बेस आपकी प्रॉपर होगी, सारे दिन बेस आपकी प्रॉपर ही होनी चाहिए। प्रॉपर बेस किसे कहेंगे वाजिद? जिसमें आपके डार्क सर्कल कवर हो, जिसमें आपकी स्किन की जो फ्लॉज हैं वो सारे छुपे हुए हों और स्किन आपकी नीट लगे, ठीक है। तो इसको हम प्रॉपर बेस कहते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। सो वी विल सी कि कौन ज्यादा प्रॉपर बेस बना सक रहा है और कौन टाइम के अंदर बना सक रहा है, क्योंकि अब सिर्फ 2 मिनट बाकी रह गए हैं और 2 मिनट के बाद हम आप लोगों का हाथ जो है वो रोक देंगे जी। अच्छा ये जो नंबर 5 पे हमारी मेकअप आर्टिस्ट है, इनकी बेस मुझे बहुत नेचुरल लग रही है, मुझे भी अच्छी लग रही है। हाँ मुझे भी इनकी बेस जो है अच्छी लग रही है, लेकिन अभी चूंकि बाकी लोग प्रोसेस में हैं तो हम कह नहीं सकते कि हो सकता है कि वो फिनिश होने के बाद कोई और जो है वो ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट जो है वो ले सके। पूरे मेकअप के बाद पता चलेगा असल। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा क्या मॉडल्स को इनपुट दे सकती है? नहीं नहीं, मॉडल ने हाथ भी नहीं लगाना अपना, मॉडल्स ने चुप करके बैठना है, वो जो कुछ भी कर रही है उसको करने देना, करने देना, ठीक है। अरे बाज़ूकात मॉडल की और ब्यूटिशियन की या फिर वो क्लाइंट का इतना इसरार होता है ना कि नहीं 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 ये रंग तो मुझ पर सूट ही नहीं करता ना, ये रंग नहीं लगाना, मैंने आज तक लगाया ही नहीं, तो वाजिद फिर हम इस तरह का कोई चांस नहीं दे रहे हैं अपनी मॉडल्स को। सो क्या है कि अच्छा बेसिस हो रहे हैं, कितना टाइम रह गया? 2 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट बाकी है। सो 1 मिनट तो बहुत जल्दी गुजर जाएगा। सो अब आपने अगर अपनी तक हो गया, अच्छा नंबर 1 का हो गया, हो गया कंप्लीट कर लिया, गुड, टाइम के अंदर आपने कंप्लीट कर लिया, ओके डन। टाइम कितना रह गया? जब आपका हाथ रुकेगा तब डन, ऐसे नहीं हम डन करेंगे। कितना टाइम रह गया? सो 30 सेकेंड्स है। सो हम इससे पहले कि हम खत्म करें, मेरा ख्याल है कि लेट्स डू अ काउंट डाउन, ठीक है। हम क्या 10 के राउंड पे आ गए हैं? ओके 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. रुक जाएगा, इस चेयर पे आते जाए, ये जजमेंट चेयर। अगेन ये कवरेज नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा लगता है कि घर में खुद से लगाई है। और डार्क सर्कल्स छुपाने बहुत जरूरी होते हैं, सबसे पहले ही आपने डार्क सर्कल्स छुपाने हैं। 8 मिनट बहुत होते हैं, चलें आप 7 का बाद से आई हैं लेकिन तो हम आपको अप्रिशिएट जरूर करेंगे, ठीक है। अच्छा आज पहला दिन है तो इतनी ज्यादा सख्तियां नहीं है, आप नोट करेंगे और हम कल से जो है बहुत सख्त हो जाएंगे और आपको कल से ये नहीं होगा कि मैं चीजें बैठ के बताऊंगा, ठीक है। आइए अगली बेस तो लगी हुई है सामिया की जी,
और इनकी बेस में हमारे जजेस को क्या इश्यूज नजर आ रहे हैं? मुझे तो वही इशू नजर आ रहा है क्योंकि इसका नाक कवर नहीं है बिल्कुल, और इसके हल्का सा ना ये ब्राउन जो आंखें बंद करो, देखिए आपने आंखों पे भी प्रॉपरली उसको कवर नहीं किया। टीवी स्टिक कौन सा नंबर लगाया है? 36 एंड आइवरी। अच्छा 36 एंड आइवरी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, 38 और आइवरी लगा सकते हैं क्योंकि 36 बहुत डार्क है और आइवरी बहुत गोरा है। 38 और आइवरी को अगर मिक्स करेंगे तो या तो अगर 36 ज्यादा रखें, 36 ज्यादा रखें और आइवरी कम रखें तो फिर आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आइवरी ज्यादा रखेंगे 36 कम तो वो फिर ग्रे हो जाएगा। 36 और 38 का कॉम्बिनेशन है, आइवरी का नहीं है उसके साथ। तो आप आ जाएं और अब आप आ जाएं, आप आ जाएं। नंबर 5 को बुलाने पहले नंबर 5 को नंबर 5 मुझे पता है आपको उनकी बेस पसंद आएगी इसलिए मैंने उनको सबसे नहीं, बेस का कलर बहुत अच्छा है मुझे बिल्कुल नेचुरल है। आप लोग जो कह रहे थे कि बेस बहुत अच्छी है, नो, लेकिन डार्क सर्कल्स फिर कवर नहीं हुए हुए डार्क सर्कल, और ये बहुत पाउडरी बेस है। मैं भी लगाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि पाउडर ज्यादा यूज करें, पाउडर उड़ जाता है। लेकिन दिस इज, आपने अभी लिक्विड गीला करके कुछ लगाया, क्या लगाया आपने इसके ऊपर? ठीक है, लेकिन लग रही है, लग रही है, हाँ, लग पाउडर से पहले तक मुझे आपका स्किन कॉम्बिनेशन जो बेस आपने चूज की थी ना वो मुझे बहुत बेहतर लग रही थी, लेकिन अभी अचानक टाइम एकदम से वाइट मिनट हो गया। नहीं, ये एतराज नहीं आपने करना, ये एतराज नहीं है, लेकिन कल मजीद इससे बेहतर हो जाएगा क्योंकि हम लोग वहाँ पे टाइम की तो नहीं कर रहे होते हैं, यहाँ पे अब टाइम का था। टाइम आठ साल का एक्सपीरियंस बहुत होता है। कितनी देर में ज्वेलर बनाती है? लेकिन वैसे मेरा पॉलर जो है वो सिर्फ 5 मंथ से। ठीक है, तो अब हमारी नेक्स्ट मॉडल जिनको कि यहाँ पर हमारे जजेस देखेंगे कि उनकी बेस का क्या इशू है और कैसी है बेस। बिल्कुल मैच ही नहीं कर रही स्किन के साथ, जीरो स्किन के मुताबिक है। मैं थोड़ा रूड इसलिए आऊंगा, देखिए बुरा ना मानिएगा, ठीक है, मेरा काम है यहाँ पे। सी सारी जो इनके और दाने हैं, पिगमेंटेशन है, सब दिख रही है, ड्राई स्किन, उससे कुछ नहीं होता, ये कोई जवाब नहीं है। बस ये तो बड़ा एतराज, लेकिन चीजें जो है उनको इम्प्रूव करते जाएंगे। ओके आइए, बिल्कुल बिल्कुल होना भी चाहिए। हाँ, हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट आप आ जाएं और हमारे जजेस, ताकि इनकी बेस जो है वो देख सकें और पहले राउंड के नंबर मार्किंग जो है वो कर सकें और फिर आपको दूसरा टास्क जो है वो दिया जाएगा। आप अपना हाथ ऐसे करेंगे बेस के साथ, ये देखें डिफरेंस। यही वो बात थी जो मैंने शुरू में की थी और वाजिद ने भी, कि स्किन कलर तो देखें। आपको लगता है ये सही है? तो आगे मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता, ठीक है, आप चले जाएं। थैंक यू वेरी मच, ठीक है, थैंक यू। सीखें बेस का सही सिलेक्शन तो आपको कभी ज्यादा लगाना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। Like. और हाँ, इसकी नेचुरल कलर है, नाइस, वेरी नाइस, बहुत प्यारी बेस। अगेन थोड़ा पाउडरी है क्योंकि आपको मुझे लगता है कि आपने अपना भी व्हाइट किया हुआ है। हाँ, आपने अपना भी व्हाइट किया हुआ है और मुझे लगता है कि आपको अपना भी थोड़ा सा अगर डार्क टोन में करेंगे तो ज़्यादा प्यारा लगेगा। अगेन इनका भी थोड़ा सा येलो हुआ है बट आपने बेस की एप्लीकेशन बहुत अच्छी की है जिसकी वजह से आपकी बचत हो गई है। अदरवाइज क्या है, आपका भी थोड़ा पाउडरी है लेकिन औरों से बहुत बेहतर है क्योंकि इन्होंने सारा कान के पीछे भी से सब थैंक गॉड कि एटलीस्ट कोई एक बंदी ऐसी थी जिसके बेस को और इसके काम को अभी अप्रूव किया गया है जजेस की तरफ से। लेकिन अभी मरला और कॉम्पिटिशन बाकी है क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरू हुआ है। सो ब्रेक में हम जाएंगे, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो नेक्स्ट टास्क जो है वो क्या होगा वाजिद? हम करेंगे आई मेकअप का मेकअप कर रहे हैं और कल होगा मायूं का, फिर मेहंदी का, फिर ब्राइडल और फिर वलीमा और अमीन नीने से इलिमिनेशन राउंड्स हैं, वो अपने शुरू करेंगे। अब टास्क क्या है जजेस? ओके, सो क्या है कि आपका अब आई मेकअप हम देंगे। ओके, आई मेकअप हम आपको देंगे, थोड़ा सा इजी इसलिए देंगे, अगर आपसे आईलैशेस लगती हैं तो लगाएं, नहीं लगती हैं तो ना लगाएं। हाँ, ठीक है। और यू नो व्हाट नताशा, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे इनको पॉइंट दिए जाएंगे कि यहाँ पे देखिए किस तरीके से उन्होंने अपनी ब्रशेस के लिए कोई मेकअप फैला हुए पड़े हुए हैं चीजें, बड़ा एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं कि उनका अपना इक्विपमेंट भी साफ सुथरा हो। हाँ, ठीक है, कुछ मैसिव हो रहा है। हाँ, और दूसरी बात यह है कि वो कैसे अरेंज इतने शॉर्ट टाइम में कर रही है ना, उनका कंफर्ट लेवल तो नहीं है। यू नो व्हाट, सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले आप जब किसी कॉम्पिटिशन में जाते हैं, अगेन मैं बार बार ये बोलूंगा कि रिलैक्स होकर करें तो आप आराम से चीजें कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप अपना मेकअप वैनिटी को तरीके से खोल लें, सेट कर लें ताकि आप ढूंढना ना पड़े आपको कोई चीज, ठीक है। अगर आप पहले से सेट कर लेते
تو آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. یعنی واجد اگر ہم نے دیکھا کہ ایک برائڈ ہے اور اس کو ہم نے کیا بیس لگانی ہے, اس پہ کیا آئی شیڈ لگانا, پہلے وہ سارا کچھ ڈیزائن کر کے چیزیں نکال لے. اب جیسے میرے سیلون پہ کوئی آتا ہے اپوائنٹمنٹ لیتا ہے, دیکھتا میں اس دن سے میرا دماغ چلنا شروع ہو جاتا ہے, اچھا اس کے اوپر میں ایسے کروں گا. ہاں تو میرا کیا ہوتا ہے کہ سارا سامان پہلے سیٹ ہوتا ہے, برشز ایک گلاس میں رکھے ہوتے ہیں, یہ میک اپ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, اینڈ دین پھر میں کر دیتا ہوں اسٹارٹ. مجھے پتا تھا اچھا یہ لگاؤں گا تو یہ بن جائے گا, یہ لگاؤں گا تو یہ بن جائے گا, مجھے ڈھونڈنا نہیں پڑتا. ڈھونڈنے میں سب سے زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. اگر آپ کا سامان پراپر لگا ہے تو یو کین ڈو ایزیلی. بالکل صحیح. سو سب میک اپ کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اور جو لوگ لیشز لگائیں گے کیا ان کو کوئی ایڈیشنل مارک ملے گا؟ یس بالکل دیے جائیں گے. اگر کوئی 10 منٹ میں لیشز بھی لگا رہا ہے تو وچ از گڈ, وہ کتنے ایکسپرٹ ہے. اور حالانکہ واجد لیش لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا, یوں آپ نے صرف رکھنی ہوتی ہے, ٹیکنیک ہے نا, ٹیکنیک ہے جو میرے خیال میں ہر کسی کو نہیں آتی. لیکن اگر لیش لگ جائے تو میک اپ اور خوبصورت لگنے لگتا ہے. مجھے لگتا ہے لیش لگنے کے بعد پورا میک اپ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے بالکل صحیح. نتاشا کو پرسنل فیوریٹ ہے کہ وہ شیڈ لگا ہوا ہو تو ویسے ہی آپ کو اچھا لگتا ہے اور آپ کہتی ہیں بس یہی سب سے اچھا ہے. ہاں مجھے شمری شیڈز جو ہیں وہ مجھے لیکن تھوڑے سے ڈارک ٹون میں اگر میری آنکھ پہ لگے ہوں تو مجھے لگتا ہے جیسے میری آنکھ کھلی کھلی, اور اگر لائٹ کوئی جیسے سلور, ہاں سلور وہ اگر لگا ہوگا تو میری آنکھ بالکل چھوٹی سی چائنیز آنکھ ہو جائے گی. اچھا آپ کے ہی شو پہ واجد نے میرا میک اپ کیا تھا تو واجد نے گولڈ مجھے آنکھ پہ کلر دیا تھا, اور اس کو کس طرح سے پھر اس نے ساکٹ لائن دے کے انہینس کیا تھا, وہ آئی لو دیٹ. کیونکہ کیا ہوتا ہے گولڈ ایک واحد کلر جس میں آپ خوبصورت لگتے ہیں. گولڈ اگر آپ سالڈ گولڈ لگا دیں تو آپ کا پورا میک اپ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو جو بیوٹیشن ہیں جن کو اس وقت نہ سمجھ میں آ رہی ہو کہ اس آنکھ پہ کیا کرنا چاہیے, ان کے لیے کیا سیف پلے کریں؟ بالکل ہاں سیف پلے کریں. بالکل گولڈ کلر, آئی لو گولڈ. جب مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آتا تو میں گولڈ لگا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بلینڈنگ کر دیتا. اور پتہ ہے کہ میٹ کلرز تو مجھے اب لگتا ہی نہیں ہے کہ زمانہ ہے میٹ. اوکے چار منٹ رہ گئے باقی رہ گئے ہیں چار منٹ رہ گئے باقی, اور ابھی کسی کا لائنر نہیں لگا ہے, ابھی کسی کی ساری چیزیں نہیں ہوئی ہیں. اور ایک کوئک راؤنڈ جو ہے میں بھی لے لوں اس وقت کہ کیا کیا کچھ چل رہا ہے. میٹ آئی شیڈو کا تو اب ہے ہی نہیں زمانہ, تو آپ کے حال میں شمری ہونا چاہیے. بہت زیادہ نہیں, آپ کے ایونٹ کے حساب سے یا آپ نے ڈنر پہ بھی جانا ہے, کسی برتھ ڈے پہ بھی جانا ہے, تو وہ ہلکے ہلکے شیڈوں میں نا شیڈز میں ہلکا ہلکا شمر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ذرا تھوڑا بہتر لگتا ہے. میٹ کا تو اب نہیں ہے بالکل بھی. سو ٹائم اب بالکل نہیں رہ گیا. اچھا میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے فرا, سب میں ایک چیز میں نے اس والی لائن میں تو سب کی ایک چیز نوٹ کی ہے کہ خالی شیڈ لگانے میں ہی اتنا ٹائم لگایا. یوں شیڈ لگتا ہے اور یوں بلینڈ بھی ہو جاتا ہے اگر آپ کو ٹیکنیک پتا ہو تو. ٹھیک ہے. اس کو مرج کرنے میں ہی سب نے ہی ٹائم لگایا ہے. بالکل ٹھیک. اب تو صرف ایک منٹ تین منٹ دو منٹ باقی ہیں. بس ایک منٹ رہ گیا. اچھا مجھے تو یہ بھی لگتا ہے ایک منٹ رہ گیا. مجھے تو یہ بھی لگتا ہے, ہاں مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ آپ کا سنگیت کا جو میک اپ ہے لڑکی کا اس میں اگر لائنر بھی نہ ہو تو بہتر ہے. نہیں لیکن ہو جائے, دیکھیں دس از میک اپ کمپٹیشن. ٹھیک ہے تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. میں نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیا کہ جتنا سافٹ ہوگا اتنا ہی اچھا لگے گا, کیونکہ دیکھیں آگے جو ایونٹ آ رہے ہیں اس میں تو لائنر لگنے ہی لگنے. یہ بھی تو سوچیں کہ وہ سیلون سے جا کے کرا رہی ہیں, اگر ایسا کچھ ہو تو وہ خود کیوں نہ کر لیں. اچھا جو سیلون سے جا کے کرا رہی ہیں تو بیوٹیشن کا بنتا ہے کہ وہ ساری چیزیں لگائیں, اور کس طریقے سے لگا رہی ہیں وہ ہم دیکھیں گے. ساری چیزیں یوز تو کرنی ہے لیکن تھوپنا نہیں ہے. اچھا ایک تو یہ ہوگا کہ یہ جو روزانہ کے نم مارکنگ ہو رہی ہے ان کی, ایک تو ایلیمینیشن ہوگا ہر روز, اور اس کے بعد روزانہ کی مارکنگ جمع ہو کر ان کا ایک ایگریگیٹ بنے گا, جس کا سب سے زیادہ ایگریگیٹ ہوگا, جو سب سے زیادہ نمبر اور اسکور ہوگا وہ جیتیں گی. صحیح. تو اس لیے آج کا جو میک اپ ہے اس کے نمبر بھی کاؤنٹ ہوں گے, اور آئندہ آنے والے ہر روز کا جو کمپٹیشن ہے اس کے نمبر بھی مارکنگ بھی کاؤنٹ ہو رہے ہوں گے. جیسے انہوں نے ابھی کیا نام ہے ان کا جو ہماری جو لاسٹ ون منٹ باجے ایک منٹ رہ گیا, اور جب آپ کو روکنے کا کہا جائے گا تو پلیز اپنے اپنے ہاتھ خود ہی روک لیجیے گا, اور جیسا ہے جتنا ہے وہی چھوڑ دیجیے گا. بالکل ٹھیک. بے شک ایک لیش لگی ہوئی اور دوسری نہیں لگی ہوئی, آپ کو چھوڑنا پڑے گا. 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں صرف, اور I'm very disappointed. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, same here, same very disappointed. چلیں کاؤنٹ ڈاؤن شروع کریں گے ہم. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 چھوڑ دیں سب چھوڑ دیں. بالکل اب کوئی نہیں چھوئے گا. اچھا ویسے بہت اچھے, جو ہاتھ لگائے گا اس کے پوائنٹ کٹیں گے. پلیز نہیں, بہت اچھے بچے ہیں, فوراً چھوڑ دیے. چلے سب سے پہلے آپ آئیے نمبر فائیو سب سے پہلے آ رہے. ہم رائٹ ہینڈ سائڈ سے شروع کر لیتے ہیں, لیکن آپ کوئی نہ چھوئے کچھ نہ کریں, کریں گے نہیں اب. ٹھیک ہے جی. تو کیا رائے ہے
बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल जीरो कुछ भी नहीं. आईब्रो का शेप आप 8 साल से काम कर रही हैं, आईब्रो का शेप बिल्कुल सही नहीं, ठीक है. उसके बाद आंखें बंद करें. आपको कहा गया है कि आप छोड़ दें, प्लीज ये ना करें आप. और लाइनर भी बिल्कुल सही नहीं लगाया. और ठीक है, कल बताया. नहीं, तैयारी 8 साल हो गए आपको? नहीं नहीं नहीं, नहीं. अरे तैयारी में हमने पहली मरतबा आई हूं, मेरा 5 माह में अभी है. ठीक है, लेकिन ये संगीत का मेकअप नहीं है और बहुत कुछ अनफिनिश्ड मतलब है. मैं समझती हूं. हां जी बिल्कुल, चलिए. एक्चुअली मैं सीख नहीं आई हूं. वेरी गुड, थैंक यू सो मच. थैंक यू जी. और नेक्स्ट कौन है? नंबर 6. सो नंबर 6 का आई मेकअप मुझे तो अच्छा लग रहा है यार. अब जजेस पता नहीं क्या कमेंट देते हैं इसको. तो आई शेड का कलर ही पसंद नहीं आ रहा हमें, तो कोई कमेंट क्या करूं. अगर आप पिंक जरूरी नहीं है, आप पिंक लगा देते हैं, आंख बंद करें. ठीक है, अच्छा आंख खोलें जरा और नीचे देखिए. अच्छा क्या है कि आई लाइक लाइनर का, आपको जो सॉलिड लाइन है, बट लाइनर का कोई पॉइंट नहीं है. अभी लाइनर आपने तोड़ दिया है, सही है. आई लाइक कलर, जो लाइन आपने काली खींची है, वेरी गुड, काली लाइन जिससे आंख खुल गई है, बट आपने लाइनर यहाँ पे खत्म करके आंख को तोड़ दिया है, छोटा कर दिया, बिच्ची छोटी सी कर दी है. ठीक है, उसके बाद ये जो ब्लेंडिंग है, ठीक है, ये ब्लेंडिंग आपकी नहीं, यहाँ पे ब्लेंडिंग होनी चाहिए थी. और आईब्रो आपकी सही नहीं है, ब्यूटी लाइन तक रखा ना, तो ये ब्यूटी लाइन के मतलब होता है यहाँ पे खत्म. तो यहाँ पे आपको इस तरीके से होना चाहिए था, ये एज बना हुआ होता, टूटा हुआ नहीं लगता. अब देखिए उसकी आंख, खुद देखें. तो इस तरीके से है. चलिए जी, थैंक यू सो मच, मेहरबानी. और कल से शुरू होंगे हमारे एलिमिनेशन राउंड्स और हमारी सारी ब्यूटिशियंस हैं उसके लिए आएंगे बिल्कुल तैयार, ताकि जो गलतियां आज पॉइंट आउट हो रही हैं, कल ये गलतियां जो हैं ये ना हो. जी तो इतना कोई आटे वाला मुंह आ रहा है, अल्लाह अकबर. और लगा दिया था पाउडर, आंखें बंद करें. बेस को तो बेस जो है ना वो वही आपने कहा था कि छोड़ दे, इसलिए हाथ नहीं लगाया. आप कितने सालों से काम कर रही हैं? मैं काफी सालों से. नहीं मुझे बताएं, बताएं आप. लेकिन मेरी स्पीड बहुत ज्यादा स्लोली है. नहीं, उससे मुझे नहीं कर, 10 साल हो गए. नहीं नहीं 4-5 साल हो गए. 5 साल हो गए. ठीक है, आपने मेरे कभी शोज देखे हैं पहले? आईब्रो मेरा एक बड़ा सेंसिटिव, एक मेरा बहुत टची पार्ट है कि मैं आईब्रो को बहुत डिस्कस करता हूँ. ठीक है, अगर आप इनके आईब्रो में थोड़ा सा गैप दे देती ना मेकअप करने से पहले, तो इनकी आंखें खुली भी लगती. एज अ स्टाइलिस्ट, एज अ मेकअप आर्टिस्ट, आपको बताना चाहिए कि मैं आपका ये कर दूं तो आपकी आंखें और खुली भी लगेंगी, जिसकी वजह से क्या है कि अभी इनकी इतनी पतली नाक है, बिकॉज आईब्रो पतली होने की वजह से ये चीज मोटी लग रही है. ठीक है, अगर आईब्रो में आप गैप कर देती तो इनकी आंखें खुल जाती, ये तो एक बेसिक चीज है. उसके अलावा ये जो आपने पिंक आई शेडो यहाँ तक लगा दी, अगर सॉकेट लाइन के अंदर अंदर होता तो आंख खुली भी लगती. ठीक है, और ये ब्रॉन्ज के साथ अगर ब्लेंड करते, आई लाइक योर ब्लेंडिंग, आपने कोशिश की ब्लेंड करने की बट वो सही नहीं हुई. तो क्या है कि अगर आप अच्छा कलर सॉकेट लाइन के अंदर लगाती और ब्लेंड करती तो ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा बेहतर लगता. और देखिए ये वाली जगह तो होती ही हाईलाइट करने के लिए, आपने शेड यहाँ तक किया. देखिए तो अगर वहाँ पे डार्क ब्राउन के साथ करती तो आंख की कॉन्टोर हो जाती, तो आपको भी बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है. और आपने कलर बहुत बुरा चूज किया आई शेडो का, पिंक, ब्राइट पिंक. आप इसके साथ गोल्ड मिक्स कर देती, रेड लग रहा है. पिंक के साथ आप गोल्ड मिक्स कर देती तो एक बीच की ट्रेंड क्रिएट हो जाती. तो आपने क्रिएट कर दी है चीजें, तो आप मेकअप आर्टिस्ट कहलाते हैं, वरना तो एक नॉर्मल पार्लर हो जाएगा. बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच. और ये सब आप लोगों के लिए टिप्स हैं आज, इससे कि एलिमिनेशन नहीं है. सो कल जो है ये तमाम गलतियां ना कीजिएगा, जिसके बारे में जजेस आपको क्लियरली गाइड कर रहे हैं, और ताकि ये ना हो आप लोगों को कि हमें पता नहीं था क्या करना और क्या नहीं करना. जी अगेन क्या बोलते हैं, आपका जो आप आंख खोलें. ओके, जो लाइनर लगाया है ना आपने, बिल्कुल लाइनर को आपने यू कर दिया है, बहुत प्यारी फाइन लाइन लगाई है, बट आंखें आपने यू कर दी है. ठीक है, और आपने जैसे पिंक शेडो लगाया है, अच्छी ब्लेंडिंग है, बट आई लाइक. ठीक है, बट आपके आईब्रो बहुत ज्यादा आपने चकोर कर दी है, और जो लाइनर आपने ऐसे करके लिटाया ना, जिसकी वजह से आंखें उनकी पूरी बंद हो गई हैं. आंखें लंबी तो लग रही है, बट ऐसे लग रहा है सोई हुई आंखें हैं. बट अगर इसी को आप हल्का सा ऊपर कर देती, या यहाँ से थोड़ा नीचे देखेंगे, यहाँ से अगर थोड़ा सा स्लांट ले लेती तो आंख आपकी खुल जाती. ये जो आपने नीचे करके लगा दिया उससे आंखें थोड़ी बंद हो गई हैं, बाकी बेहतर है आपका. आपका पहले आप क्या कहती नताशा? मैं कुछ नहीं कहना चाह रही. तो सलमा जो है अभी तक दोनों चीजों में बेहतर, हमें सलमा का जो है वो वोट मिला है. थैंक यू सो मच. और यहाँ से आइए जल्दी से जी. तो क्या रहा यहाँ पे सूरत हाल? कोई ब्लेंडिंग नहीं है, कोई लाइनर आपका सही नहीं लगा हुआ, हर 3 शेड अलग नजर आ रहे हैं, और आपको बहुत सीखने की जरूरत है.
बहुत सीखने की जरूरत है, ठीक है, बहुत सीखने की जरूरत है, ठीक है। अभी बहुत अनाड़ी मेकअप है आपकी, ये तो लग रहा है कि पहली दूसरी क्लास है आपकी। कोई बात नहीं, लेकिन आज एलिमिनेशन नहीं है, सो ये पॉइंट्स आपने कल आप जाके मेहनत करेंगी इस पे, और कल मैं आई होप कि आप अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही, आइए आइए जी। और आज इनका इनका मेकअप जो है वो कहा था, वाह इनको तो लैशेस लगी हुई हैं, मोनिका क्या बात है, लेकिन बहुत बुरी लैशेस लगी हुई हैं। लगी तो वही है ना। अच्छा नहीं, बुरी इसलिए लग रही है कि मस्कारा नहीं लगाया है नताशा ना, मस्कारा नहीं लगाया आपने, आईब्रो नहीं बनाई है नीचे देखिए, और आई लाइक कलर अच्छा लग रहा है क्योंकि ठीक है सॉफ्ट किया हुआ है, बट अगर आप आईब्रो प्रॉपर कर लेते मस्कारे लगा देते अच्छा था। टाइम 10 मिनट बहुत होते हैं, 10 मिनट बहुत होते हैं, ठीक है, और बहुत आसान टेक्निक है, मैंने अभी भी करके दिखाया चीजें जी। और यहाँ पर क्या है, मोमिना 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 मोमिना, और मोनिका कौन है, मोनिका वो है, ठीक है जी। यहाँ पर क्या है, ओके तो पहले आपने आईलैशेस खराब लगाया है और आई शेडो, और पता है उसकी आंख वही जो हम बात करते हैं ऐश्वर्या राय की आंख, हाँ। यू सीधी और फूली हुई, हाँ। इसकी आंख वो है, हाँ। आपने वो जो उसकी आंख पे हाई सॉकेट लाइन या सॉकेट बनाने की एक डेप्थ देने की कोशिश की है ना, वो आपने बहुत गलत दी है, हाँ, बहुत ऊपर से कर दिया जिसकी वजह, हाँ। से बहुत शार्प लुक हो गया, बहुत अजीब सा बना दिया, पफी लग रही है। अगर आप अंदर से देते ना, यहाँ से नीचे देखे अंदर से आप देते, मैंने आपको बोला भी था अगर आपसे लैशेज नहीं लग रही तो ना लगाए, आप लैशेस की जगह अगर आंखों के ऊपर ब्लेंडिंग में ज्यादा टाइम लगा देती ना तो वो ज्यादा अच्छा होता, ठीक है। तो मैंने आपको बार बार इसलिए कहा था कि संगीत का मेकअप है, अगर लैशेस नहीं लग रही तो आप ब्लेंडिंग पे थोड़ा टाइम लगाते, इस पे आपने 3 मिनट तो लगाए होंगे लगाने में, है ना, 3 मिनट लगाए होंगे, तो अगर आप ब्लेंडिंग पे टाइम दे देते तो शायद आपका आई मेकअप प्यारा हो जाता। और उसी डगर पे चलते रहते हैं जिस डगर पे चल रहे होते हैं, क्योंकि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता, कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा होता, मुंह पे सब अच्छे होते हैं। सर कल इंशाल्लाह आप आ जाए, आप आएंगे अच्छी तरह से जी। और मारुख का मेकअप हुआ है यहाँ पे, और मारुख को ढेर सारा ग्लिटर लगाया है मोनिका ने, ठीक है, आंखें बंद करो, हाय लग रहा मिर्चे फेंक दी आंख के ऊपर, लाल मिर्चे फेंक दी है बेचारी, अल्लाह की कसम मैं नहीं झूठ बोल रही, देख ले आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, क्लोज बनाए देख ले, हाँ लेकिन अब बाकी आप ही बोले अच्छी है, बट क्या है कि अगेन वही वाला हिसाब है, सॉकेट लाइन पहले आप अंडर सॉकेट लाइन बनाओ फिर ग्लिटर लगाएं तो बेहतर है। तो ये है, आप उधर आ जाएं। और मोनिका आपकी बेस बहुत बुरी है, बेस बहुत बुरी ये आपने लगाया है, या लेकिन कल हम इंशाल्लाह बहुत आप उसको इम्प्रूव करें, ठीक है। अच्छा अब हम जाएंगे ब्रेक की तरफ, लेकिन ब्रेक की तरफ जाते हुए अगला टास्क हम देने वाले हैं वो क्या होगा, अच्छा अगला टास्क फिर हम आगे ही बताएंगे, ओके तो आप सब लोग तैयार रहिए, अपनी चीजें तैयार रखें, और हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे हैं वापस। खुशामदीद ब्यूटीशियन नंबर 1 APlus का कंपटीशन जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं, और वाजिद और नताशा दोनों बहुत सख्त गुस्से में हैं, इसलिए कि पहले जो 2-3 राउंड हुए उसमें वो कोई इतने खुश नहीं नजर आए, डिसअपॉइंटमेंट हो रही है बहुत ज्यादा, तो लेकिन आपको हो सकता लेकिन है? क्यों हो रही है फरा, मैं आपको ये भी बता दूं कि किसी का 8 साल का एक्सपीरियंस है, किसी का 10 का है, किसी का 5 का है, यहाँ पे तो चलें इसको 3 महीने हुए हैं, इसको पता नहीं साल हुआ है, ये ऐसे वो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे तो माशाल्लाह 8-8, 10-10 वाली सीनियर मेकअप आर्टिस्ट खड़ी हुई है, तो उनसे तो मुझे बिल्कुल ऐसी उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत अच्छा करेंगे आप। बताए क्या एक्सपीरियंस, जब बोलते हैं ना कि 10 साल का एक्सपीरियंस, अब मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं जी आप बहुत हार्श हो जाते हैं, आप बहुत रूड हो जाते हैं, जहां पे हमारी नजर नहीं जाती आपकी वहां नजर चली जाती है। ऑफ कोर्स बहुत मैंने बहुत मुश्किल मैं अगर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ तो मैं बहुत मेहनत करके आया हूँ, ठीक है। जो लोग मुझे बोलते थे 10 साल पहले कि हमें वाजिद से मेकअप नहीं कराना, आज वही लोग बोलते हैं कि हमें आपका टाइम चाहिए, हमें मेकअप करा दो हम अपनी परफॉर्मेंस खुद कर लेंगे, ठीक है। सो क्या होता है कि आप मेहनत करते हैं, आप ये नहीं बोलते ओ अच्छा मैंने तो सीख लिया, ठीक है। जब आप कहते हैं कि मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा 12 साल का है, मेरा 8 साल का, 8 साल एक बहुत अरसा होता है, ठीक है, तो दिल दुखता है कि जब आप 8 साल में भी आप कुछ नहीं कर पा रहे तो आप किस तरीके से करेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा इनको अपना नेक्स्ट राउंड देते हैं और फिर हम अपनी बातें कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसमें हमने इनको ज्वेलरी भी देनी है और इन्हें ज्वेलरी भी लगानी है, बाल भी सेट करने हैं, दुपट्टे भी सेट करने हैं, सब कुछ करना है। अब आप क्या टास्क दे रहे हैं, अब क्या है कि आप लोग के पास 10 मिनट है,
ठीक है, 10 मिनट में आपने जो करना है आप करें, आप पूरा मेकअप अपना कंप्लीट करें, आप उसमें बाल बनाएं, और हम ब्रेक में जाएंगे तो आपको ब्रेक में भी टाइम मिलेगा, आप करते रहेंगे। हाँ, हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपका टाइम स्टॉप करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो 10 मिनट तो आपको ये मिलेंगे, और जो हमारी ब्रेक आएगी आपको वो भी टाइम मिलेगा। तो आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब, जिसमें आप लिपस्टिक कॉन्टोरिंग सारी चीजें कर सकते हैं। बाल भी बनाने बिल्कुल। अच्छा, मैं ये भी इन सबको रिलैक्स करने के लिए एक बात कह दूं, जितनी मेकअप आर्टिस्ट टाइम आप लोग साथ साथ हाथ चलाते रहें, कि पहला दिन है क्योंकि, तो आई नो कि कंफ्यूजन भी होती है कि आप कैमरे के लिए आप एक शो के लिए आप लोग मेकअप कर रही हैं, तो इट्स ओके, रिलैक्स रहें, जितना रिलैक्स होके आप लोग मेकअप करेंगे उतना ही बेहतर होगा। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आप सोच के करेंगे तो ज्यादा अच्छा कर पाएंगे, बिल्कुल सही, ना कि पैनिक में चीजें आप खराब करेंगे, बिल्कुल सही। अच्छा, अब उन्हें सुकून से हम काम करने देते हैं और हम लोग चलते हैं अपने ज्वेलरी के स्टॉल की तरफ, और ये आसमा रहमान की ज्वेलरी है, बहुत खूबसूरत सी। आसमा, यहाँ पर आ जाइए, आपने अपनी ज्वेलरी जो है उसको बेचना भी है, आपने बताना है हमें कि ज्वेलरी में क्या खास है। हैंडमेड ज्वेलरी है ये सारी, वालिद कितनी प्यारी बनी हुई है, जैसे ये चुटिया के लिए, और ये कल भी हम अपने उनको देंगे कि लगाएं बालों में, अगर किसी ने चुटिया बनाई है तो उन्होंने इसमें लगाना है, ठीक है। और झूमर है, ये हैंडमेड, सब हैंडमेड, और इसी तरह से झूमर है कि आप झूमर जो है वो लगा दें, है ना जी। सो अब आप मायो मेहंदी आप पर है कि आपने सेलेक्ट करके देना है कि किसने कौन सी वाली ज्वेलरी किसको पहनानी है। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया, ये मायो और मेहंदी की मिक्स है, ठीक है, वो मायो की है और मेहंदी के लिए मैंने ग्रीन और ब्लू वगैरह शेड बनाए हुए, बिल्कुल सही सही, अपने हाथ में पकड़ लें, और इसमें सारे ये सब हैंडमेड है, और ये सारा चॉइस के आपके कौन से कलर्स है उसी चॉइस से ये बनती है। ड्रेस किस कलर का है उसके साथ मैच करने के लिए, येलो कितना प्यारा है, बहुत प्यारा है, तो ये किसको दिया जाएगा, येलो, ये यार ये भी देखे ना, ये भी कितने प्यारे, ये भी यहाँ पे भी लगे हुए इसमें ऑरेंज कलर, इसमें तो नथ भी है साथ यार। अच्छा, ये इसके बहुत प्यारी सी है, ये देखो इसकी रिंग भी है, और ये माथा पट्टी टीका भी है। सो हाँ, और नताशा यहाँ पे हमारे पास ऑरेंज शेड भी बड़ा प्यारा, ये देखिए ऑरेंज शेडिंग भी है। सुनो, ये भी वाजिद इसी के साथ है, मतलब टीका जो भी है ये आई थिंक थोड़ा सा नीचे के लिए होगा, अगर आप टीका लगाना चाहे तो टीका लगा ले, माथा पट्टी लगाना चाहे तो माथा पट्टी लगा ले, ठीक है, तो सारी ऑप्शंस हैं वो उनके लिए हैं। अच्छा, ये ऑरेंज कलर का भी बहुत प्यारा है, और सारी ही चीजें हैं इसके साथ भी, इसके साथ भी ये झूमर है और ये सारा कुछ। आसमा जी जी, ये जो सारा कुछ है अपने हाथ से बनाया, सब हैंडमेड बना हुआ जी, मेरा सारा बना हुआ, और ये मैं ज्यादातर एग्जीबिशन करती हूँ इंटरनेशनल, तो ये उसमें लेके जा रही होती हूँ, बिल्कुल ठीक है यार, आई लव दिस। आप हाँ, कितने प्यारा इसका कॉम्बिनेशन है यार, लवली, बहुत प्यारे है, बहुत खूबसूरत, पहन के दिखाई ना ताशा, अमेजिंग। इस ड्रेसिंग के ऊपर मैं झूम के पहन लू, गुड। ये देखिए, ये जो आजकल चुटिया चल रही है आगे, तो ये उस पर लगाने का भविष्य है ना, पूरा एक चुटिया बना के उसके ऊपर लगा दीजिए, और आप जो ये दिखाई दी आपने देनी है इस ट्रे में रख कर, आपने जिसको देनी है उनको आप दे आइए, ताकि उनके पास पूरा सेट हो और उनको पता हो कि हमारे पास ये सारी चीजें आ गई हैं, और आसमां की खूबसूरत ज्वेलरी जो है इसको उन्होंने अरेंज करना, वाह, ज्वेलरी के साथ ये क्या चीज है, ये खास जान है। अच्छा, तो ये कितना प्यारा है यार, आपने आसमां कितना प्यारा ये बनाया, पहले आप इसको यूज करें, वॉश करें, ठीक है। सो जो खवातीन घर में मिलाद करवाती हैं या कुरान खानी करवाती हैं, माइयों में जो माइयों में कोई रस्म हो रही होती है, तो ये कितना प्यारा एक अरेंजमेंट है, आपने रखा हुआ है, कोई मक्खी मच्छर नहीं, और आपने इसको यूज किया और फिर आपने इसे कवर कर दिया जी, बहुत खूबसूरत प्यारा लग रहा है। अच्छा, आपके वो जो ये भी है, ये भी हैंडमेड है, मतलब जो है जी, ये वाले, ये किस पर्पज के लिए आपने बनाई हुई है ये, ज्यादातर देखिए जैसे इसमें ये देखिए, ये भी सेट मैंने, ये ज्यादातर हमने माइयों के लिए भी यूज करा हुआ है, और जैसे घर में खाने पीने की चीजें इसमें डाल के ड्राई फ्रूट है या आप वो कर सकते हैं, दूल्हा दुल्हन के सामने रखने वो भी रख सकते हैं, उपटन मेहंदी और सारा पान वगैरह जो रखने का वो भी रख सकते हैं, ठीक है, मतलब दोनों उसके लिए शादी पे भी यूज करना, उसके बाद भी यूज कर यार। और ये अपने घर में खुद बनाया है, इसको मैंने फॉइल से कवर करने के बाद इसकी अरेंजमेंट की, बिल्कुल सही, और अरेंजमेंट में कितना खूबसूरत और कितना और इसमें कोई भी चीज आप रख दें, फर्ज की आपने यहाँ पे थोड़ा सा तेल रखा हुआ है या मेहंदी रखी हुई है, छोटी सी मटका हुआ है वो मैं फिर उसमें रख देती हूँ। एक्चुअली मैं कराची से आई हूँ, तो मैं एग्जीबिशन के लिए आई थी, एक प्रॉपर जो एक डिस्प्ले होता है ना वो नहीं कर पाई, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई, तो बिल्कुल सही। तो ये सारी चीजें जो है इस तरह से अरेंज की जाती है, इस तरह से अपने फंक्शन पे या इवेंट पे आप इनको यूज कर सकते हैं, ब्यूटीफुल। वाजिद लगे हुए हैं, उन्होंने सब संजीदगी के साथ तमाम ब्यूटिशियंस को ज्वेलरी दे रहे हैं,
کہ ساری بیوٹیشنز دے وہ کون واجد کیا یہ کسی کو نہیں دیا جائے گا کہ وہ مطلب چٹیاں کر کے رکھے گا تو پھر اس کو آپ دے دیں گے بالکل ٹھیک ہے اچھا ایک سیٹ کے ساتھ میں نے ٹیکر گھومر بھی بنایا اور ماتھا پٹی بھی اب اگر یہ آپ ماتھا پٹی لگائیں گے تو اس کے ساتھ چٹیاں بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا واجد یہ پنک والا جو ہے نا یہ والا یہ شاکنگ پنک یہ اچھا ہے لیئر میں دیکھیں بلو اس کا ہے چوکر ہے اس کے بعد یہ نیکلس ہے اور اس کا ڈھولنا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ جھمکی ہے اور ماتھا مطلب اس میں میں نے ٹیک اور جھومر ایڈ کرا ہے بہت خوبصورت میں نے ماتھا پٹی ایڈ نہیں کرا ارے جن کو آپ ماتھا پٹی دے رہے ہیں اور جن کو آپ جھومر دے رہے ہیں وہ سب اچھا طرح سے سیٹ کر لیں گے مطلب برابر ہوں گے مجھے تو ماتھا پٹی زیادہ اچھی سیٹ کرنی آتی تھی مجھے جھومر کا اتنا اچھا پتہ نہیں ہے جھومر کا لیفٹ سائڈ پہ ان کو ارینجمنٹ کرنا پڑے گا نا وہ بعد میں اعتراض نہ کریں کہ اونلی ارینج کہ ٹائم کم تھا اس کا ادھر 4 منٹ صرف باقی رہ گئے اور آپ لوگوں نے ابھی تک بال بھی نہیں چھیڑے ہوئے یہ سیٹ ہے نا کمپلیٹ جی ٹیکرز کے ساتھ میں الگ سے بھی لے کر آئی تھی یہ رکھے ہیں دیکھیں ان میں سے لائٹ والا بھی لے سکتے ہیں یہ والا جی میرا اچھا ویری گڈ اچھا پتا ہے کیا ماڈل بندے بندے خود بھی پہن سکتی ہیں ہیلپ کر سکتی ہیں اب کیونکہ باقی پورا میک اپ کرنے کے لیے یہ کہا گیا تو میں یہاں پہ ایک پوائنٹ بتاتی چلوں کہ پورے میک اپ میں جیسے آنکھوں اور بیس کے ساتھ ساتھ آپ کی کنٹورنگ بھی اتنا کاؤنٹ کرتی ہے کہ اگر وہ آپ کے فیچرز کے مطابق کنٹورنگ نہیں ہوئی بھی نا تو آپ کا سارا میک اپ ضائع ہے بالکل فیچرز انہانس کرنے ہیں کنٹورنگ اتنی اچھی کرنی ہے جس کا چوڑی اور چپٹی ناک ہے میرے جیسی وہ تھوڑا سا ذرا اپنے نوز کنٹورنگ کو ذرا واضح کریں اسکرین اور فوٹو شوٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بات میں کر رہی ہوں کیونکہ یہ ہم اسکرین کے لیے کام کر رہے ہیں تو اس کے مطابق آپ اپنی کنٹورنگ پہ پلیز ذرا دھیان رکھیے گا سب ایسے ہی نہ جانے دیجیے گا کہ بس اب باقی کا ہم لوگ کور کر رہے ہیں اور بس بالوں کی طرف آنا 10 منٹ پورے ہونے میں صرف 3 منٹ باقی ہیں یعنی آپ تقریباً 7 منٹ جو ہے وہ گزار چکی ہیں اور اب 3 منٹ ہیں لائیو جو آپ کام کریں گی اور اس کے بعد بریک کے آپ کو کوئی 4-5-6 منٹ اور ملیں گے جس میں آپ بال بنا سکیں گی جولری سیٹ کر سکیں گی اور دوپٹہ سیٹ کر کے ایک فائنل اینڈ فنش لک جو ہے وہ آپ ہمیں دیں گے ہم بریک میں جائیں گے تو آپ کے پاس بریک میں بھی ٹائم ہے جلدی کے چکر میں خراب مت کر دیجیے گا ٹیک یور ٹائم کیونکہ آپ کے پاس ٹائم ہے سکون سے کریں اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پھر آپ کو 5 منٹ اور دیے جائیں گے جس میں اپنا دوپٹہ سیٹنگ کریں گے اور لیکن واجد ان سب کی سپیڈ دیکھتے ہوئے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ بریک تک بھی کچھ کمپلیٹ نہیں ہوا ہوگا مجھے کوئی امید نہیں ہے مجھے تھوڑے لمبے لمبے چلے میری امیدیں توڑ کے دکھائیں پھر سب لمبے لمبے سانس لیتے ہیں اور واجد سے ایک اچھا سا گانا سنتے تاکہ واجد کا موڈ بہتر ہو واجد کا موڈ بہتر ہوگا تو ہم سب کا موڈ بہتر ہوگا اب اتنے سڑے ہوئے موڈ میں کیسے گانا گائے گا گائیں گے گائیں گے واجد تھوڑا سا ہاں چلے جی چلے جی تالیاں گانا بیوٹیشن نمبر 1 اے پلس کا کمپٹیشن جو کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور ہماری تمام بیوٹیشنز ہیں ان کے پاس وقت اب ختم ہونے کو ہے اور سب فائنل ٹچز دے رہے ہیں جولری بھی لگا لی سب نے سجا دی ہے ہیئر سٹائل بھی کر لیا ہے دوپٹے بھی دے دیے ہیں دونوں ججز ہیں ان کو مانیٹر کر رہے ہیں کیونکہ شکلیں سب لڑکیوں کی اتنی پیاری ہیں کہ وہ سب پیاری لگ رہی ہیں ارے نہیں ہماری بیوٹیشنز بھی بہت باکمال ہیں انہوں نے اچھا تیار کر لیا ہے ٹھیک ہے تو اب سب لوگوں نے اپنی تیاری کر لی ہے کہ کسی کو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ٹائم اور دے دیں تاکہ ایک فائنل ٹچ جو ہے وہ آرام سے اور تسلی سے دے سکیں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں کہ ایک نمبر تو فری ہو چکی ہیں بالکل کر کے آ رہی ہیں جو فری ہو گئے وہ آگے بتاتے رہیں تو آئیے اپنی ماڈل کو لے کر اور اپنی سو آئی لائک ہاں سو یہ ہماری سب سے پہلے نمبر اور میک اپ بھی اب آپ نے پوائنٹس نوٹ کرنے کے بعد بہت بہتر کر لیا سو سلمان نے ڈریس پہنا ہوا ہے انہوں نے آمنہ اجمل کا خوبصورت سا ڈریس پہنا ہوا ہے ماڈل نے جیولری جو ہے وہ آسما رحمان کی پہنی ہوئی ہے اور اچھا جیولری لگائی اب ججز کی کیا رائے ہے اچھا ہے کافی بہتر ہے بٹ مجھے جو بالوں کا یہ سمجھ میں نہیں آیا کیا سوچ کے بنایا یہاں سے یہ اور یہاں سے یہ کیا اسٹائل کچھ تھوڑا سا ڈیفائن کریں گی کچھ بتائیں اور یہ ٹوٹا ہوا لگ رہا ہے بالکل نہیں یہ ٹوٹا ہوا لگ رہا ہے یا تو یہ والے بال بھی یا تو ادھر سے ہونا چاہیے تھا اور یہ والے بال ادھر ہوتے یہ بیچ میں ٹوٹا ہوا لگ رہا ہے ٹھیک ہے باقی ٹھیک ہے بہتر ہے کافی بہتر ہے ٹھیک ہے بالکل صحیح بال مجھے بس آپ کے ویسے پسند نہیں آئے سوری تھینک یو سو مچ اور کون کون تیار ہو گیا آپ ہوگی آئیے نمبر 7 ہماری برائڈ جو ہے وہ بھی تیار ہے اور بیوٹیشن بھی صاف آ رہے نمبر 7 نے نا
बहुत सारी, अब जो टाइम दिया गया था ना, इन्होंने भी अपनी बहुत सारी गलतियां ठीक की हैं, और वो खुद भी इतनी कोई हसीन है माशाल्लाह, ठीक है, लेकिन वो बहुत प्यारी लग रही है, ड्रेस भी बहुत खूबसूरत है, और मुझे आपके बाल अच्छे लगे हैं, आपने एक सॉफ्ट लुक आ रही है, और वाकई एक के इवेंट की लुक है ये, अच्छा लगा। ऐसे ही बाजी पलटती है, शुरू में जो सबसे पीछे जा रहा होता है ना, वो एंड पे सबसे आगे आ जाता है। अच्छा। मुझे ओवरऑल लुक इनकी बहुत अच्छी लग रही है, बिल्कुल सही, बड़ी मॉडर्न सी, स्टाइलिश सी, सिंपल सी, नीट सी, बहुत अच्छे लग, बिल्कुल सही। आप सोचो आप तो नहीं घबराहट हो रही, क्यों फल्ला क्या हो रहा है? नहीं, पहले हो रही थी, काफी ज्यादा टाइम शॉर्ट था, और ना मेरी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो थी, तो अब थोड़ा सा हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे थे, और मैं परेशान थी, मैं क्या करूं। अब कल से आपने कॉन्फिडेंस लेके आना है अपने अंदर, इंशाल्लाह ठीक है। चले, थैंक यू सो मच। आइए जी, और ये भी बहुत प्यारी लग रही है, क्या बात है, मुझे तो सारी दुल्हन एक से एक बढ़कर प्यारी लग रही है। अच्छा लग रहा है, अगर आप लिपस्टिक का कलर थोड़ा सा ब्राइट कर देती तो बहुत प्यारा लगता, और जो आपने सिल्वर हाईलाइट यूज किया, हल्का सा अगर गोल्ड का ट्रेंड दे देते ना, हल्का सा गोल्ड का, तो स्किन में जो शक्ल में ना थोड़ी सी जान आ जाती, गोल्ड हमेशा आपको फ्रेश कर देता है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, देखें उसके होंठ बहुत खूबसूरत अल्लाह ताला ने बनाए हैं, लड़कियां तो फिलर्स करवा के ऐसे होंठ बनवाती हैं, आपने होंठ नीचे से क्यों छोड़ा उसका? पूरा आपको लिप कवर करना चाहिए था। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं अगर इसको पूरा करूंगी तो ऊपर का होंठ पतला हो जाएगा, तो आप ऊपर वाले होंठ को और बेशक एनहांस कर दें, लेकिन छोड़े होंठ नहीं छोड़े, पूरे होंठ पे लिपस्टिक लगाएं। हाँ, लेकिन मुझे भाई अब ड्रेस को देखने के बाद इन्होंने आईज पे जो कलर दिया है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, जो उनके ड्रेस के साथ है ना, मुझे लग रहा है कलर थोड़ा सा ब्राइट कर सकते थे, पिंक कर लेते, कैंडी यम टाइप कर लेते, तो बहुत प्यारा लगता। और देखिए आईलाइनर तो जो है वो वाजिद ने आपका ठीक किया हुआ है, आपका आईलाइनर एक आपका खुद सही किया, एक खुद सही किया, दूसरे वाले को लंबा किया, नहीं किया आपको, करना चाहिए था ना आपको, इतना टाइम नहीं किया, वो वही का वही है, छोटा का छोटा ही है। अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत फरा को तो सबके मेकअप ही अच्छे लग रहे हैं। ये तो आपको करना चाहिए था ना, आपको टाइम दिया था मैंने, जिसने जो करना है वो कर ले, आप लोग सुनी नहीं रहे, बस आप लोग काम में लग जाते हैं। मैंने क्या कहा, सब्र और तहम्मुल से करें तो चीजें आप लोग कर सकते हैं, ये आप ही ने किया ना, प्यारी लगने लगी, ठीक है, प्यारी लग रही है, एंड वेरी वेल डन, ब्यूटीफुल। अच्छा चले, आप आगे, ये मॉडल ही हमारी बहुत जल्दी में है, बहुत तेज मॉडल है। अच्छा जी, साम्या, साम्या को तैयार किया है हारूना ने, मारूना अरुणा, अरुणा ने, और जजेस की राय क्या है? मुझे लगता है कि मुझे तो बिल्कुल नहीं, ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ बालों में भी, हाँ ठीक है ओके, लेकिन अब इसके बारे में अब मैं क्या कहूँ, इसको हुए भी अभी सिर्फ 3 महीने हैं, और उसके मुताबिक तो अभी इसको बहुत टाइम चाहिए, अभी बाल बाल और ये वो, इनफैक्ट उसको झूमर तक लगाना नहीं आया, कि झूमर मेरे जान यहाँ थोड़ी लगता है, और झूमर लगाने के लिए तो आपको बालों का स्टाइल वैसा देना चाहिए था कि आप झूमर लगाती, कान के ऊपर झूमर तो नहीं लगता ना, कान के ऊपर कौन लगाता है झूमर, ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया अरुणा, थैंक यू सो मच। और अजय आप अच्छा भी कर रही है, एक मिनट चाहिए, आइए आप आ जाइए, नहीं टाइम खत्म नहीं हुआ, टाइम खत्म हो गया, तो नहीं नहीं हम टाइम खत्म कर चुके हैं, आप अच्छा कर अच्छा, आप कर अच्छा। ओके, बहुत प्यारी बेस लग रही है अब आपकी, हाँ, और आंखों के नीचे भी काबिल बेहतर है, हाँ। और बाल भी अच्छे लग, हाँ। नहीं सिंपल एक लुक दिया, हाँ, आपने वो प्यारा लग रहा है, लैश भी प्यारी लग रही है, सारी चीजें एक दूसरी चीजों को कॉम्प्लीमेंट, और लिपस्टिक आपने बहुत अच्छी लगाई है, शेप के साथ, होंठ की शेप के साथ लगाई है, और सिर्फ मुझे थोड़ा सा ये है कि आप उसकी मेरे जैसी नाक है, तो थोड़ा सा जरा अगर आप कंटूर कर देती ना नाक, तो वो और बेहतर लगने लगती, बिल्कुल सही। लेकिन सात का बाद से आप आई हैं, और आपने बड़े वेगर के साथ इसमें हिस्सा लिया, आना, ट्रेवल करना, रुकना, और फिर यहाँ पर आना, थैंक यू सो मच, गुड एफर्ट, कल हम देखेंगे कि और भी इम्प्रूवमेंट होगी, आ जाए। और आमना का ये ड्रेस मुझे वैसे ही बड़ा प्यारा लग रहा है, खूबसूरत सा येलो कलर एंड फॉन कलर, जो अच्छा लग रहा है, इनको ओके, आई लाइक, अच्छा बेस उसने बैलेंस किया है, हाँ, उन्होंने बैलेंस किया, सॉकेट लाइन को आपने किया, कोशिश किया, बहुत अच्छा है, हाँ। और इसी तरीके देखिए सीखता है बंदा, और मुझे आंखों का आपका काफी बेहतर लग रहा है, बट और अच्छा हो सकता, हाँ, है। ये आपने अच्छा किया है कि आपने फौरन ही जब आपको टाइम मिला तो जो हमने बातें की आपने वो ठीक कर ली,
ये आपने बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। कल कोशिश करूंगा, कोशिश कीजिएगा कि बेस आप अच्छी बनाए, ठीक है। येलो येलो की तरफ नहीं जाना अब आपने, मुझे तो डर तो नहीं लग रहा ना, नहीं दोनों नहीं काटेंगे, नहीं नहीं डर ना, डर तो नहीं लग रही ना, निकालेंगे, नहीं डर, ठीक है, नहीं डर रही ना, अब कल जब मैं आऊंगी तो ज्यादा अच्छा मेकअप करूंगी। सिर्फ एक गलती आपकी ये है कि झूमर अगर आपने यहाँ की साइड पे उसके बाल निकाले हैं तो यहाँ की तरफ नहीं लगेगा, और इस तरफ लगेगा, और झूमर हमेशा लेफ्ट पे लगता है, हाँ। तो याद रखें झूमर हो गया, नथ हो गया, जहाँ पे नथ होती है आपकी तो उस तरफ झूमर होता है, ठीक है। आजकल मैंने देखा है कि राइट लेफ्ट कुछ नहीं होता, हाँ। बस लगा देते होते, लगा देते। तो अगर झूमर आप जिसकी जो जगह है उधर पे लगाएंगे तो ज्यादा प्यारा लगेगा। थैंक यू सो मच, मेहरबानी। अरे वाह, सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज इन्हें किया जा रहा था, और सबसे ज्यादा अच्छी लुक इनकी लग रही है मुझे। अब मुझे बाल अच्छे लग रहे हैं, बाल बेहतर है, बट मेकअप बस ठीक है। कल कोशिश कीजिएगा अच्छा हो, और टाइम मिलने के बाद भी आपने वहाँ ब्लेंडिंग कर दी है शेडो की, लेकिन क्योंकि ग्लिटर जब एक दफा लग जाता होता है तो आप दुनिया की जब तक आप मुंह धो नहीं लेंगे, क्लींजिंग नहीं कर लेंगे, उतरेगा नहीं अभी। हालांकि आई नो आपने कोशिश की है उसको बेहतर करने तो के लिए, और ऊपर तक फैल गया, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो नहीं हट पा रहा होगा, लेकिन कल से आप कीजिएगा इस बात का, ठीक है। और कितना हौसला, आपको याद है क्या बाजिद ने बताया था कि ग्लिटर कितने एरिया में होना चाहिए? लिट पे, अच्छा कितना हौसला बढ़ गया पहले की नस्बत अब ज्यादा कॉन्फिडेंट है ना, तो कल जब आओगी तो हमें ज्यादा अच्छा मेकअप देखने को मिलेगा, और कल हम देखेंगे, कल इलिमिनेशन राउंड है, कल सारी हमारी जो ब्यूटिशियंस है, कल इलिमिनेशन राउंड है। आज आपको इसीलिए मौका दिया गया कि जजेस से आप इंट्रोड्यूस हो जाएं, जजेस आपसे इंट्रोड्यूस हो जाएं, और फिर कल का जो है उसमें कोई चांस नहीं है, क्योंकि जो आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी, जो टास्क दिए जाएंगे वो नहीं पूरे होंगे, तो सिंपली कल 0% भी सिंपथीज नहीं होंगी किसी के भी साथ, तो आप लोगों ने अपना होमवर्क करके आना है कल, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब आ जाए यहाँ पे सबसे, वाह वाह वाह, वो तो ड्रेस भी सेट कर रही है उनका, कि ड्रेस उनका कैसा फैलाव में होना चाहिए। अच्छा क्या है कि लिपस्टिक का जो है शेप सही नहीं है, शेप है? बहुत और आपको मैंने आईब्रो, आपको काफी टाइम मिला था, आप आईब्रो बेहतर कर सकती थी, सुनने के बाद भी आपने नहीं किया, और अच्छा चले कोई बात नहीं, आज आज आप माफ है, सारे टीका टेढ़ा लगा हुआ है, ठीक है, टीका टेढ़ा जा रहा है, टीका टीका मेरी वजह से टेढ़ा लगा, मैंने आखिर में लाके टीका दिया कि लगाओ जरूर, और वो बाल बना चुकी थी, और क्या बोलते हैं, बस ठीक है, सही है, गुजारा है, कल बेहतर है, पहले से बेहतर, लेकिन अगर अंडर आया, देखिए जब आपको कोई चीज बोली जाए ना तो फौरन क्विक कर ले उसको, ठीक है। सोचने में क्या होता है कि मैं करूं नहीं करूं आप रह जाते हैं, तो आप फौरन कर लें, और ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, जब आप कुछ अच्छे का सोचेंगे ना तो आपके साथ अच्छा हो जाएगा। जब मैं बात करता हूं, जब मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना है तो मैं फौरन कर देता हूं, मैं सोचता हूं ओ, तो फिर वो चीज रह ही जाती है। तो आपने अगर आपको लगता मैंने कहा था तो आप उसी वक्त ठक करके कर देती हैं, ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। और होंठ अगर पतले हैं तो आप इस तरह से शेप दे सकती है कि जरा थोड़े से प्रोमिनेंट होंठ लगने लगे, एक तो उसके पतले होंठ हैं, फिर आपने उसके होंठ और बारीक ही कर दिए हैं। एक्चुअली मैंने ये 5 दिन क्योंकि हमें दिए गए हैं, तो मैंने सोचा था कि पहले दिन इनको बिल्कुल सॉफ्ट रखना है, यानी कि कोई शेप नहीं देनी, तो ये बिल्कुल ही नहीं कर दी, और दूसरा ये कि आपने ये क्या बनाने की कोशिश की है, ये क्या बनाने क्या बनाना चाह रही थी, मतलब देना चाह था, ये क्या करना चाह रही थी आप? अच्छा कल 3 देना चाह रही, फिर क्यों नहीं हो सका ये? नहीं सर तो आगे थे, मैं बता रहा था कि एक हम्प नहीं आना चाहिए, जैसे यहाँ पे जब इन्होंने लगाया था ना आयरन, तो मैं बता रहा था कि अगर आप इसको ऐसे लपेटेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ये लाइन नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जब ये लाइन है, अब आप टोंग के मतलब क्या होते हैं कि आपने लपेटना है और छोड़ना है, आप अगर उसकी क्लिप ठक करके छोड़ देंगे तो फोर्स लाइन आ जाएगी, ठीक है, तो इसलिए। और आपने स्प्रे बहुत ज्यादा कर दिया ना, बाल कड़क कर दिए हैं सारे, हाँ, इस पे तो करने के लिए स्प्रे की तो जरूरत ही नहीं होती, एक्सक्यूज मी, आप लोग सुन रहे हैं, वैसे पता है कर, आप लोग कल इस तरीके से बातें करेंगे तो आपके पॉइंट कटेंगे, और अगर आपका अच्छा मेकअप भी होगा तो मैं निकाल दूंगा आप लोग को, क्योंकि डिसिप्लिन का ख्याल रखें, सही है, डिसिप्लिन का ख्याल रखें, ये एक बहुत नॉलेज वाला एक प्रोग्राम है, बिल्कुल सही, ठीक है, जिसपे आपको सीखने को मिल रहा है, आप अगर आप मेरे सैलून पे कभी आएंगे तो आपको लगेगा पता कि मैं किस तरीके से सिखा रहा होता हूँ, तो मैं अगर इधर आके आपको सिखा रहा हूँ तो ये आप लोगों के लिए, मैं ये नहीं बोला आई एम द बेस्ट, बट जो मैं कर सकता हूँ आप लोगों के लिए वो मैं करूंगा, ठीक है, अगर मैं
सम टाइम क्या होता है जब आप कोई बात कर रहे होते हैं तो बात से ही कोई बात आप पिक करके अपनी चीज को बेटर करने की कोशिश करते हैं, बट आप लोग सुनने के लिए नहीं तैयार, कोई सुनने ही नहीं चाह रहा। सुने तो सही वो क्या बातें कर रहे हैं, आपके ही काम आएंगे ना, बाकी के चार दिन लग जाते हैं। सो प्लीज सुने और फिर आप शो खत्म होगा, जितनी बातें करनी है आप बातें कीजिएगा, लेकिन शो के दरमियान मैं जब बातें कर रहा होता हूँ ना तो उसमें बहुत सारी, जैसे नताशा ने बीच में बोला था, मैंने आपको बोला था कि बेस को ऐसे लगाएं तो ऐसे हो जाएगा, ग्लिटर को लिट के ऊपर लगाएं तो ऐसे हो जाएगा, ओरिएंटल के अंदर 38 मिक्स कर दें तो एक बीच का पॉइंट बन जाएगा, सही है, अगर बेस ज्यादा व्हाइट लगा दिए तो थोड़ा डार्क पाउडर लगा दें तो वो बैलेंस हो जाएगा। आप लोग सुनते ही नहीं है तो कैसे करेंगे, आप लोग को लगा कि आपने ये लगाया और उसके ऊपर सफेद पाउडर थप थप थपा दो, आप लोग सुनना ही नहीं चाह रहे। सीखे ना आप, आप इसको कंपटीशन के साथ साथ एक क्लास भी समझ सकते हैं कि आप क्लास अटेंड कर रही हैं। आप अपने सैलून में जो आपके वर्कर होता है उनको ट्रेन कर सकते हैं। बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है कि सैलून पे जी काम हो रहा होता है और क्लाइंट उधर बैठा होता है तो यहाँ से आवाज, साइमा नो आपको करीब जाना है, साइमा आप मेरा ये काम कर देंगी और आपको बोल के आना होता वापस है। ये दी ये छोटी छोटी सी आपके आपके अपने काम के लिए ये टेक्निक है कि किस तरीके से आप अपने काम को ग्रो कर सकते हैं। ओके, सो क्या है कि बहुत बेहतर हो सकता है, कोशिश कीजिएगा, कल के कल का एलिमिनेशन का राउंड है तो कल आप लोगों में बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होगी। अरे भाई लेकिन मुझे देखिए उनका अरेंजमेंट बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने चुकी आपके ऊपर कितना अच्छा सा ये चीज अच्छी है, उन्होंने एक लुक पूरा जो है उसको बड़ा अच्छा मैनेज किया है, वेरी वेल डन, गुड, जबरदस्त, बहुत अच्छी लग रही है सारी मॉडल्स, और मुझे तो सारी ब्यूटिशियंस का बहुत ही प्यारा सा काम लग रहा है, लेकिन हमारे जजेस की राय डेफिनेटली प्रोफेशनल है वो, और वो जो राय दे रहे हैं वो प्रोफेशनली दे रहे हैं कि उसमें क्या चीजें इंप्रूव होनी चाहिए आप सब लोगों की बेहतरी के लिए। मैं दोबारा रिपीट करती चलूं कि ब्यूटिशियन नंबर वन APlus से होने वाला पाकिस्तान का वो सबसे बड़ा ब्यूटी ब्राइडल एडिशन है जिसमें शामिल ब्यूटिशियंस के स्किल्स तो आप देख ही रहे हैं, जो कि यहां से जाएंगी तो इनके हाथ में सर्टिफिकेशन होगी, बाजिद का दिया हुआ सर्टिफिकेट होगा कि वो कौन नंबर वन था, नंबर टू था, नंबर थ्री था, और साथ लेकर जाएंगी वो एक ग्रैंड मनी अपने साथ जो कि होगा 50,000 रुपया कैश। तो हम अपना आज का प्रोग्राम वाइंड अप करें अगर आपकी इजाजत हो। आप बताइए कैसे। बिल्कुल हम इजाजत, मुझे तो बहुत मजा आता है आपके शो पे आने में क्योंकि मुझे लगता है कि मैं भी सीख रहा होता हूँ साथ साथ। नहीं आपने क्या सीखना है, यू नो मैं सही बता रहा हूँ, यू नो 19 साल के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, जब मैं कर रहा होता हूँ तो मैं क्रिएट कर रहा होता हूँ। यही आपकी कामयाबी का राज है क्योंकि इंसान सारी जिंदगी सीखता रहता है, जो ये समझ जाता है ना कि मैंने तो बस सीख लिया तो वो खत्म हो जाता है। हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सीखने का अमल अभी जारी है, और मैं और वाकई जब कभी मैं बोलता हूँ कि पतले फेस को किस तरीके से बड़ा दिखाना या बड़े फेस को पतला किस तरीके, तो आई कैन क्रिएट सो मेनी थिंग्स। जब आप मेकअप लगाना शुरू करते हैं तो आप इतना सोच सकते हैं, ठीक है तो आप एक आर्टिस्ट बन जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी हैं ये मेकअप वाले ना बने, ये मेकअप आर्टिस्ट बने टू क्रिएट समथिंग। बिल्कुल सही, तो ये है, हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद हो रही है फिर आपसे मुलाकात।
ओके, थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ रहे और मुझे यकीन है कि आपने एंजॉय भी किया होगा, सीखा भी होगा बहुत सारा कुछ. इसलिए कि आज के ब्यूटीशियन नंबर वन का मकसद ही यही है कि घर बैठी भी वो तमाम खवातीन जो करना चाहती हैं कारोबार या फिर ब्यूटीशियन बिजनेस, और वो चाहती हैं कि वो इसमें अपना सलून सेटअप करें, वो अपने आप को किसी तरह से एम्पावर करें इकोनॉमिकली फाइनेंशियली, नहीं है उनके पास ये अपॉर्चुनिटी. तो लाइव वाजिद खान की ये जो उनको डिफरेंट और नताशा की टिप्स मिल रही है उसके साथ अपने मेकअप को आप इम्प्रूव कर सकें और इनमें से कोई एक जो है वो ग्रैंड मनी जीत के ब्यूटीशियन नंबर वन का टाइटल जो है वो जीत के जा सके. विश यू ऑल द बेस्ट. इसे के कल से शुरू होगा एलिमिनेशन राउंड, ठीक है, और कल आप लोगों ने गलतियां नहीं करनी जो कि आज जजेस ने आपको बताई हैं. क्यों हंस रहे हैं वाजिद? म्यूजिशियन हम गाना गाएंगे. म्यूजिशियन बोल रहे हैं तो आप गाना गाएंगे. म्यूजिशियन बोल रहे हैं तो आप गाना गाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है. आज आज अगर गाना गाएंगे तो हम आपसे इजाजत देंगे. इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी ब्यूटीशियन नंबर वन के सेकंड राउंड सेकंड प्रोग्राम के साथ, जिसमें मायू का जो है मेकअप और वो सारा सेटअप जो है वो किया जाएगा. जी वाजिद.